तो आपने ये फेमस मूवी का फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, बस इतना जानते हैं कि ईंट से ईंट जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब मुझे एक के सीमेंट हो चाहे अंबुजा सीमेंट। तो भैया इसने ये जो बोला वो एक कॉन्ट्रैक्टर था कि ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए, सीमेंट से फर्क नहीं पड़ता। बट आप एक सिविल इंजीनियर है और आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा सीमेंट आप यूज करेंगे अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो जब भी आप या आपके आसपास वाले घर बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि कौन से कंपनी का सीमेंट यूज करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 7 सीमेंट कंपनीज बताने वाला हूं और ये भी कि आपको कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए अपने घर के कंस्ट्रक्शन में। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का सिविल गुरुजी में, द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो कि कौन सा सीमेंट हम यूज करें। तो एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक के चाइना 2020 में अप्रॉक्स 2.2 बिलियन मेट्रिक टन के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन करता है। चाइना में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर में मैन्युफैक्चर्ड सभी सीमेंट के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। भारत 2020 में 340 मिलियन मैट्रिक टन के प्रोडक्शन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट बहुत वाइडली यूज की जाने वाली और एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल में से एक है। बिल्डिंग में सीमेंट की शुरुआत से पहले और बाकी मटेरियल जैसे चूना हो गया, मिट्टी जो सैकड़ों सालों से वाइडली यूज की जाती थी, सीमेंट के आने के बाद ये सभी चीजें हट गई और वाइडली सीमेंट यूज होने लग गया। तो सीमेंट सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला कंस्ट्रक्शन मटेरियल में से एक है। एज अ रिजल्ट सीमेंट की प्राइस खरीदते समय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका प्राइमरी पर्पस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है और इसके साथ यूज की जाने वाली बाकी सभी मटेरियल्स को एक बॉन्ड बना के रखना है। जैसे आपने देखा होगा PCC प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और आपने एक देखा है RCC रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। तो जब सीमेंट के साथ हम उसमें स्टील भी इम्बेड करते हैं और दोनों को बॉन्ड बना के रखते हैं तो उसको RCC बोलते हैं, और जब हम लोग प्लेन सीमेंट यूज कर रहे हैं तो वो PCC के केस में आता है। तो ये एक लिस्ट है जो टॉप 7 कंपनीज हैं इंडिया में जो मार्केट पे बेस है। सबसे पहली कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, देन है आपकी श्री सीमेंट, तीसरी है आपकी अंबुजा सीमेंट, चौथी है ACC सीमेंट, देन डालमिया भारत, देन JK सीमेंट और लास्ट है आपकी द रामको सीमेंट। तो अब जब आप घर बनाते हैं तो आपको ये चेक करना है कि जो भी सीमेंट आप परचेस कर रहे हैं उसका ग्रेड चेक करना है। ये ग्रेड कैसे चेक करोगे आप? जो भी आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग में गिवन होगा, आर्किटेक्चरल ड्राइंग में गिवन होगा, नहीं तो नॉर्मली जब हम लोग मास कॉन्क्रीटिंग की बात करते हैं तो 53 ग्रेड सीमेंट यूज करते हैं, बट नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप 43 ग्रेड का भी सीमेंट यूज कर सकते हैं। तो ग्रेड जरूर चेक करिए, फिर या वो OPC है या PPC, आप दोनों ही बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। बस स्ट्रिपिंग टाइम में डिफरेंस आता है, मतलब शटरिंग को खोलने के समय में। OPC हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट होता है आपका PPC। बेसिकली ये ज्यादा फाइनर पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि इसमें फ्लाई ऐश भी डाला जाता है एज अ एडमिक्सर के फॉर्म पे। तो आप दोनों ही OPC हो या PPC हो, दोनों को ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो। अगर एकदम स्पेसिफाइड है ड्रॉइंग में कि OPC ही यूज करना है तो आपको OPC ही यूज करना होगा, वो भी स्पेसिफाइड ग्रेड का। फिर आप ये चेक करें कि 3 मंथ से ज्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ना हो, ऐसे में बैग्स में लम्स आ जाते हैं। और लास्ट आपको अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंगली सीमेंट परचेस करना है, जिससे आपने जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिसाइड करी है उतने में ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये जो आपको मैंने बताया कि कंप्लीटली कि आप जाके बोल दिया कोई कि ACC सीमेंट ले लो, अल्ट्राटेक सीमेंट ले लो, या तो आपके वर्क ऑर्डर में स्पेसिफाइड होगा कि कौन सा सीमेंट को आपको यूज करना है। पर आप अगर एक नॉर्मल घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप OPC और PPC में कॉस्ट डिफरेंस के मामले में जा सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा शटरिंग टाइम में डिफरेंस आता है और डिपेंड करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना जा रहा है। 43 ग्रेड अगर आप OPC यूज कर रहे हैं, जो बैग्स लेकर आएंगे उसमें स्पेसिफाइड होगा मैन्युफैक्चरिंग डेट कि 3 मंथ्स में ही उसको आपको यूज करना है, उसके बाद आप यूज ना करें, उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।